हेलो स्टूडेंट, वापस से स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का क्लास 10th के मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के चैप्टर 2 में अभी हम लोग रन कर रहे हैं, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं चैप्टर 2 के अंदर में उसको हम लोग भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये ना समझें, ये भूल कभी मत करना कि एग्ज़ाम्पल तो ऐसे फालतू का दिया हुआ है। नहीं नहीं, उसको सोचो, उसको समझो और उसको बनाओ। मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस एग्ज़ाम्पल से आपको सीखने के लिए मिले, क्योंकि हर एक कंसेप्ट आपके प्रश्नावली में नहीं दे रखा है। अलग अलग कंसेप्ट से आपके पूरा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट बेसिस के लिए, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह का प्रॉब्लम आता है पेपर में, है ना, मैंने कई बार देखा है प्रॉब्लम इस तरह से रहता है। और एक चीज़ और, यदि ये धुंधला दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना। सेकेंड, यदि आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप किसी भी मीडियम के हो, पूरा का पूरा कहानी समझ में आने वाला है। पूरा जितने भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ वो पूरा समझ में आने वाला है। और एक चीज़ ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना आप कि इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन अलग रहता है, हिंदी मीडियम वाले का क्वेश्चन अलग होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस आपका हिंदी में है और वही क्वेश्चन का रूपांतरण इंग्लिश वाले बुक में इंग्लिश में है। पूरा डाटा सेम है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का, क्लियर है। चलो फटाफट से यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है कि 7 times ऑफ अ 2-digit। क्या कहा इसने कि 7 times ऑफ अ 2-digit नंबर। अब बात आती है कि 2-digit नंबर कहाँ से शुरू होता है। देखो क्या होता है, 7, 8, 9, उसके बाद क्या हो जाता है, 10, 11। तो देखो ये 1, 0, 10, इसमें 2 digit हो गया, 1, 1, 11, 2 digit। इस बाकी ये सिंगल डिजिट का नंबर है, एक अंक का नंबर है, और ये 2 अंक मिल करके तब जाके एक नंबर बन गया है। 2 अंक मिलकर के एक संख्या बना है, क्लियर है। 2 अंक मिलके एक संख्या बना है, 10, इसको 10 बोलते हैं ना। और 2 अंक है, 1 है और 0 है, 2 अंक। यहाँ भी देखो 12 लिखूँ और ये कहाँ तक जाता है, 99 तक। 99 के बाद क्या हो जाता है, 1, 2, 3 अंक बन करके फिर बनता है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि क्या कह रहा है, समझ गए, ये समझे कि नहीं, 2-digit नंबर समझ में आया कि 2 अंक का संख्या, क्लियर है। तो 7 times ऑफ अ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 4 times ऑफ द नंबर फॉर्म बाय द रिजर्विंग द डिजिट। अब समझो, देखो कह रहा है कि कोई 2-digit का नंबर है, क्लियर है, वो क्या है, 7 times उसको जब किया जाता है तो वो इक्वल हो जाता है किसके, 4 times नंबर फॉर्म बाई रिजर्विंग द डिजिट। जब उसके डिजिट को उलट पुलट दिया जाता है तब, समझना जरा। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ 45 लिखा, क्लियर है, ये 5 कैसे, ये 45 कैसे होता है, ये 5 जो होता है ना, ये 5 × 1 होता है, और ये 4 कैसे होता है, ये 45 कैसे बन गया, ये 4 जो होता है ना, ये क्या होता है, 4 × 10, यानी कि ये इकाई वाला प्लेस जो है, ये इकाई है, समझना जरा, ये क्या है, इकाई, और ये क्या है, दहाई। हिंदी मीडियम वाले इकाई दहाई, और इंग्लिश मीडियम वाले वंस टेंस, ऐसे ही होता है, वंस और टेंस, है ना। तो टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई रहता है और वंस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, तब जाके ये देखो 10 × 4 = 40 और +5 × 1 = 5, तब जाके ये 45 बनता है। इसका मतलब कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर बनता है, और जो वंस प्लेस पे होता है यानी कि जो इकाई स्थान पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर बनता है। पूरा बात समझ में आया, ओके, इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई नंबर ऐसा 2-digit का नंबर है उसको मैं 7 times कर देता हूँ, ये देखो 7 times यानी कि 7 times कर दिया, ये इक्वल हो जाता है कब, जब 4 times कर देता हूँ किसके, जब फॉर्म बाय द रिजर्विंग द डिजिट, जब इसके डिजिट को रिजर्व कर देता हूँ यानी कि पलट देता हूँ, तो ये 4 × 5, ये 5 ये दहाई के स्थान पे और 4 इकाई के स्थान पे, ऐसे समझ में आया, कुछ ऐसे बोल रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं XY पे, क्योंकि हमें तो 2-digit वो नंबर तो नहीं पता ना, क्लियर है, ठीक।
अब आगे इसी प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट इज 3। तो जो आप सम वहाँ पे जो भी डिजिट आप लोगे है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ 4 और 5 को लिया हूँ, तो दोनों डिजिट का सम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 है। कितना? 3 है। दोनों डिजिट को, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 5 + 4 तो 9 है। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, लेकिन वहाँ पे कह रहा है कि जो भी आप डिजिट लोगे उसका सम क्या है, वो 3 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर, तो वो आप नंबर मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे 45 है ना, तो वहाँ पे आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो फटाफट से, अब इसमें दो अननोन चीज़ है, हमें तो यही नहीं पता कि इकाई के स्थान पे क्या है और दहाई के स्थान पे क्या है, क्योंकि इकाई और दहाई रहेगा तभी तो जाके दो डिजिट का एक नंबर बनेगा। हाँ बोलो, क्लियर है? बात समझ में आई? ओके, तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को फटाफट से देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो जरा, यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें लेट वंस प्लेस, यानी कि इकाई का जो स्थान है, वंस प्लेस डिजिट इज मान लेते हैं y। क्लियर है? और टेंस यानी कि दहाई का जो डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट मतलब होता है अंक। टेंस प्लेस का जो डिजिट रहेगा यानी कि दहाई का स्थान मान लेते हैं x। क्लियर है? तो नंबर मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर फॉर्म्ड इक्वल टू जो नंबर बनेगा उसको, तो इकाई वाला 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? है ना? अब प्लस दहाई वाला कैसे रहता है, टेंस प्लेस वाला किससे, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x हो गया, तभी तो ये नंबर बन गया। समझ में आया? अभी अभी बताया था 45 कैसे बनता है, तो इकाई वाला तो 1 से, तो 1y मल्टीप्लाई 1 तो y रह जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x तो 10x हो गया। क्लियर है? अब चलो फटाफट नंबर फॉर्म, ये नंबर बन गया। अब क्या कह रहा है कि जो नंबर बना, ये तो नंबर बना। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि 7 times 2 डिजिट नंबर, तो दो डिजिट का नंबर तो ये बन गया, क्या 10x प्लस वाई, ये 7 टाइम, तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा नंबर 7 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? इज इक्वल, तो ये देखो इक्वल हो गया, कब, 4 टाइम ऑफ द नंबर, किसका, जो नंबर है ये नंबर का 4 टाइम, ये रहा 4 टाइम ऑफ द नंबर, फॉर्म्ड बाय रिजर्विंग द डिजिट। इसका मतलब समझना, जो रिजर्विंग लिखा है ना उसका मतलब, रिजर्विंग मतलब होता है कि उसके डिजिट को, उसके अंक को पलट देना। तो ये 10 तो अपनी जगह ही रहेगा, वाई आ जाएगा यहाँ और x चला जाएगा इसके जगह पे। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में। अब यू कह रहा है कि ये इक्वल हो गया है ना, इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 10 7 = 70x, प्लस में है ये, प्लस में है, तो प्लस तो प्लस 7y, 4 और ये 10, प्लस तो प्लस 4 10 = 40y, प्लस तो प्लस 4x। क्लियर है? 40y प्लस 4x, क्लियर है? अब चलो अब एक काम करते हैं, ये सब को उठा करके, क्लियर है, ये सभी को उठा करके इधर लेके आते हैं। क्लियर है? चलो फटाफट से यहीं पे लेके आते हैं। देखो जरा, 70x और इसको 4x को उठा के लाओ तो -4x। क्लियर है? इक्वल टू, ये 7y को उधर भेज देते हैं, तो 40y - 7y। क्लियर है? 40y - 7y। अब देखो 70x में से 4y, सही किया हूँ ना, 10 7 = 70 7 × y 7, 4 10 = 40 4 × x 4x, हाँ ठीक है ना। तो देखो ये, इसको उठा के मैंने इक्वल के इधर लाया तो साइन चेंज हो गया, इसको उठा के उधर भेजा तो साइन इसका चेंज हुआ, ये अपनी जगह पे है, वाई वाई के साथ में, एक्स एक्स के साथ में कर दिया मैंने। क्लियर है? राइट? और ऐसे ऐसे देते चलना, इसको और भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो इक्वल के इधर साइड और इक्वल के इधर साइड में कुछ चले तो ऐसा साइन हम लोग देते चलते हैं, ठीक है? अब चलो और क्या बना जी यहाँ पे, तो 70x में से 4x चला गया तो कितना बचेगा, 66x इक्वल टू, 40y में से 7y चला गया तो कितना बचा, 33y। क्लियर है? अब ये 33y को अब इधर लेके आओ तो 66x माइनस 33y इक्वल टू, इधर में कुछ नहीं तो 0। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन लोगे, 33, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, y,
इक्वल टू जीरो। कॉमन का मतलब समझ में आता है ना, उभयनिष्ठ। जैसे तो 33 देखो ऐसा उभयनिष्ठ निकलना रहता है जो मल्टीप्लाई किया जाए तो बाद में ऊपर वाला आ जाए। तो देखो 33 × 66 x हो जाएगा, 33 × -y, तो 33 − 33y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया। अब 33 ये क्या है, कोफिशेंट है, इक्वल का उधर जाएगा तो कहाँ नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x − y इक्वल टू 0/33। और 0/33 का मतलब क्या होता है, 0। तो 2x − y इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया कुछ इस तरह से। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि अब ये तो इतने में ये इक्वेशन आया। अगला द सम ऑफ टू डिजिट, दो डिजिट का सम जो है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा x + y, है ना, यही था ना, दोनों डिजिट का सम, ये डिजिट और ये डिजिट का सम, दोनों डिजिट का सम, क्लियर है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 3 है, तो x + y इक्वल टू 3। समझना, ये नहीं बोला है कि नंबर अलग, नंबर दो थो नंबर का सम, ऐसा नहीं है, उसने बोला डिजिट का सम। ये देखो डिजिट मैंने माना है, डिजिट y और डिजिट x, ये दोनों का सम कितना 3 हो गया, ऐसे बोल दिया, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहीं से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। चलो तो देखो जरा, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है कि यदि आप मेथड में कंफ्यूज हो कि कैसे ये बन जाता है, तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, है ना, उस वीडियो पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे सारे कंसेप्ट मैंने उसमें झोंक दिए हैं सिखाने के लिए, कि आप, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ कि एलिमिनेशन मेथड ऐसा होता है और ऐसा रहेगा तो ऐसे बनेगा, सीधी बात, है ना। चलो तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया, राइट। अब देखो x का गुणांक सेम नहीं है, कोफिशेंट सेम नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं, अब x को छोड़ के अब y को देखेंगे, y का कोफिशेंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि जब कोफिशेंट सेम दिखे और साइन क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब साइन कोफिशेंट सेम दिखे और साइन प्लस और एक माइनस में दिखे तो उस समय हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, याद रखना, कोफिशियंट सेम दिखे और साइन उल्टा पुल्टा दिखे एक ठो माइनस एक ठो प्लस में, तो हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकंड, पहला और दूसरा को जोड़ देते हैं, क्लियर है। तो कैसे जुड़ेगा देखो जरा, 2x − y क्लियर है इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x + y इक्वल टू 3, और ये जुड़ रहा है, क्लियर है। जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, जब हम लोग जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, y जो है माइनस में और ये y जो है प्लस में, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ख़त्म, सेम चीज़ माइनस में सेम चीज़ प्लस में, तो कैंसिल, राइट। अब चलो जोड़ो जरा, 2x और x कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस में है और ये x भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, y तो ख़त्म हो गया नहीं लिखना है, और 3 + 0 तो 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 हो गया। अब ये 3 से ये 3 ख़त्म हो गया, 3 के टेबल में 1/1 से, है ना, तो कितना हो गया 1 हो गया, 1/1 का मतलब, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 1। अब इसी x के वैल्यू को यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू को किसमें, कोई सा भी इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में, जो आपको इजी लगे। तो जैसे देखो x + y = 3, तो इसमें रखोगे ना तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 इन कौन सा, इन इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें रख देते हैं, तो क्या है x + y = 3, क्लियर है। तो x का वैल्यू 1 रख देना है, तो यहाँ x के जगह पे 1 रख दो, अब प्लस y इक्वल टू 3, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 − 1, साइन चेंज हो गया इक्वल के उधर जाएगा, तो y इक्वल टू 3 − 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो x मैंने क्या माना था, टेंस प्लेस, है ना। तो वो बोल रहा है कि नंबर मुझे बताओ, तो नंबर, ये नंबर ऐसे ही बनेगा ना, तो नंबर इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, जब x और y निकल गया तो नंबर क्या बनेगा,
एन यू एम बी ई आर, नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, यही था। तो क्या हो जाएगा 10 और वाई x कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अब प्लस y कितना आया है 2, तो ये रहा 2, क्लियर है। अब देखो 10 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस 2, तो कितना हो गया 10 प्लस 2 कितना 12, कितना वो नंबर क्या था 12 था, वो नंबर क्या था 12, यही क्या हो गया आंसर। अब देखो मेरा आंसर सही आया कि नहीं, देखो x प्लस वाई यही डिजिट का सम बोल रहा था ना, कह रहा था ना कि टू डिजिट, दोनों डिजिट को जोड़ा जाए तो 3 आएगा, इसका मतलब देखो 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा ना, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो निकला है वो बिल्कुल कैसा निकला है, एकदम करेक्ट निकला है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और खुद से बनाने का कोशिश करना, जब एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार 4 बार 5 बार 20 बार 25 बार वीडियो को जरूर देखना, एक बार में पूरा वीडियो देखो उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो 20-25 बार तो लगेगा नहीं आपको बनाने में, है ना, इतना तो लगेगा नहीं, मुश्किल से 2-3 बार भी अगर आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट लेते हो तो जंग जीत जाओगे, क्लियर है। चलो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13, अब हम लोग मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर जो 14 है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, एग्जाम्पल जो 14 है फटाफट से देख लेते हैं। दो इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को। अब बोल रहा है कि x और y का वैल्यू फटाफट से आप निकालिए, तो देखो इसमें फटाफट हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, राइट। एलिमिनेशन मेथड देखो तीन मेथड से हम लोगों ने पढ़ा है, एक कौन सा ग्राफ मेथड, ठीक है, ग्राफ मेथड पढ़ा है हम लोगों ने, दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है, और तीसरा पढ़ा है हमने एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन तीन मेथड पढ़ा है हमने, क्लियर है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, फटाफट बन जाता है, तुरंत बन जाता है। तो देखो कैसे बनेगा, फटाफट से हम लोग देखते हैं। देखो x का कोफिशेंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये और ये मैच नहीं किया है ना कोफिशेंट। तो एक काम करते हैं, x का कोफिशेंट 2 है तो इसका ये इक्वेशन नंबर 2 के x का कोफिशेंट को यहाँ पे 2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 कैसे बनेगा, जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बन पाएगा, क्लियर है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, क्लियर है। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है, विथ बोथ साइड, दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड से काम नहीं चलेगा, दोनों साइड, इधर से लेके इधर इक्वल के इधर साइड में भी और इधर भी, क्लियर है। तो चलो 2 से x माइनस 4y मल्टीप्लाई किया मैंने, तो जब भी याद रखना जब भी कोफिशेंट को इक्वल करने चलोगे तो जिसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर में भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा और उधर में भी होगा, क्लियर है, और माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। अब देखो 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा और 2 इंटू एक्स तो 2x हो गया। यहाँ प्लस साइन क्यों नहीं दिया, तो इसलिए क्योंकि ये शुरू में लिखा हुआ है, नहीं देंगे तो भी आप जान जाओगे कि ये क्या है, प्लस में है, 2x हो गया। प्लस माइनस माइनस 2 4 8y इक्वल टू माइनस, और ये 2 किस में है, प्लस में, माइनस प्लस माइनस 7 2 14, क्लियर है। ये देखो ये आ गया, ये इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं, अब एक दूसरे को एक साथ में लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। तो चलो देखो फर्स्ट को लिखो 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, क्लियर है। अब यहाँ पे 2x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 14। अब चलो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि कोफिशेंट सेम नहीं है, तो मैंने फटाक से कोफिशेंट 2 से मल्टीप्लाई करके कोफिशेंट एक जैसा बना दिया, x x का बना दिया,
उसके बाद मैं मेथड लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि कहते हैं। तो देखो, आप ध्यान से देखो, ये 2x का साइन क्या है, प्लस में, ये 2x का साइन भी क्या है, प्लस में, तो ये दोनों कभी कटेगा, ये भी प्लस में, ये भी कटेगा, ये भी प्लस में, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। और जब साइन चेंज करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहला में से दूसरा को घटा देते हैं, फर्स्ट माइनस तीसरा। देखो, पहला पहला माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिख दिया मैंने, फर्स्ट माइनस थर्ड घटा दे रहे हैं। तो जैसे ही जब हम लोग घटाते हैं तो ये 2x अभी किस में है, प्लस में है, लेकिन अब ये साइन माइनस हो गया है। ये 8y किस में है, माइनस में, तो ये प्लस हो गया। ये 14 किस में है, माइनस में, तो ये प्लस हो गया। क्लियर है? तो नीचे वाला का जहाँ पे देखो, देखो जिसको किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं ना, ऊपर वाला नहीं चेंज होगा, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो 2x से ये 2x खत्म हो गया। क्लियर है? अब देखो, ये प्लस में 8y और माइनस में 5y, तो कितना हो जाएगा, प्लस में, देखो प्लस में 8y, अब ये 8y माइनस में नहीं रह गया, ये प्लस में हो गया। तो 8y में से 5y चला गया, 8 रुपये में से 5 रुपये गया, तो 3y प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। क्लियर है? इक्वल टू, अब देखो प्लस में 14 और माइनस में 8, तो 14 में से 8 गया कितना, 6, प्लस में 8, क्योंकि प्लस में 14 है। क्लियर है? अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो 6/3 ये कट गया, 3 1 जा, 3 2 जा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2, y इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब इस y की वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो y की वैल्यू। चलो देखो जरा, यहाँ पे लिख दो कि पुट द, लिखो जरा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन टू। मैंने लिख दिया इक्वेशन टू में, इसमें y इक्वल टू जो आया है उसको पुट कर देते हैं। तो x लिखो यहाँ पे, x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब आप पूछोगे, सर इसी में 2 में पुट कर रहे हो, आप 1 में क्यों नहीं पुट किए, आप 3 में क्यों नहीं पुट किए? बेटा, आपका जिसमें मन करेगा ना उसमें पुट कर सकते हो। देखो, इसमें पुट करने से ये होगा ना कि यहाँ पे कैलकुलेशन हमें कम दिख रहा है, x माइनस 4y माइनस 7 कैलकुलेट, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है 2, y का मल्टीप्लाई में 5, इधर में 8, यहाँ पे y से 8 में है, यहाँ 2 है ना। तो आपको कैलकुलेट ये भी देखना पड़ेगा ना, मेरा जल्दी से आंसर कब आएगा, क्योंकि समय बचाते हुए आपको दूसरा प्रॉब्लम भी अटैम्प्ट लेना है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो इसलिए आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। आप सीधा सीधा जाके अपने घर जाइए, चाहे एकदम घूम के राउंड मार के उसके बाद घर जाइए, लेकिन पहुंचोगे कहाँ, घर पे ही। क्लियर है? चलो फटाफट देखते हैं। तो x माइनस 4, वाई का वैल्यू क्या, 2, तो ब्रैकेट में बंद, इक्वल टू माइनस 7। अब क्या हो जाएगा x, अब देखो 4 2 जा 8, तो देखो माइनस, और ये 2 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, अब 4 2 जा 8। क्लियर है? माइनस 7, हमेशा सावधान रहना साइन से, हमेशा सावधान रहना। यदि आप पॉलीनोमियल नहीं देखे हो, साइन में आपको दिक्कत आ रहा है, तो पॉलीनोमियल जो पहला चैप्टर है उसको जरूर पूरा देख लेना वीडियो, लगभग 22-23 पार्ट बना है, सॉरी 22-23 नहीं, लगभग 18-19 पार्ट बना है, पूरा 19-19 पार्ट को देख लेना, आपका साइन के रिगार्डिंग पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये माइनस 8 अब उधर जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 7 और उधर जाएगा तो प्लस 8, साइन चेंज हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, अब देखो किसका साइन ज़्यादा है, प्लस वाले का, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 7 चला गया तो 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो देखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, हो गया आंसर, आ गया। यही पूछ रहा था कि x और y का वैल्यू निकालो, तो हो गया आंसर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग मूव हो रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर। ओके, अब हम लोग अटैम्प्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। फटाफट से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। देखो, x का कोफिशियंट 41 है, x का कोफिशियंट 17 है, तो ये तो मैच नहीं किया। यहाँ देख लें, y का कोफिशियंट 17 है, यहाँ पे y का कोफिशियंट 41 है, तो यहाँ भी मैच नहीं किया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो इस तरह का जब प्रॉब्लम आए, और ये चीज़ ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे x का कोफिशियंट 41 है तो y का कोफिशियंट 41 है, x का कोफिशियंट 17 है तो y का कोफिशियंट 17 है। तो अगर कुछ ऐसे आए, ऐसे, क्लियर है, कोफिशियंट इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना है, उसको मैं बता देता हूँ।
आपको एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, फिर इक्वेशन वहाँ से मिलेगा, फिर सॉल्व करना है। सर ये क्या कह रहे हो आप मुझे करके बताओ ना। तो करके बता रहा हूँ ना, पहले आप सुन तो लिए। देखो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, क्लियर है, दो इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करता हूँ, है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन ई क्यू पे एन दे दिया, तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो देखो जरा 41x माइनस 17y क्लियर है, अब प्लस देखो इधर वाला के साथ ही प्लस होगा, क्लियर है, 17x माइनस 41y इक्वल टू, अब देखो ये वाला इसके साथ प्लस होगा 99 अब प्लस 75। अब चलो फटाफट ये क्या हो जाएगा, फटाफट से निकालो, बाहर प्लस है तो अंदर, बाहर प्लस है अंदर प्लस है, तो 41x ही हो गया, प्लस माइनस तो माइनस 17y, प्लस प्लस तो प्लस 17x। देखो जब प्लस का साइन रहता है तो आप बेधड़क सब चीज़ लिखते चले जाओ, 17x प्लस माइनस तो माइनस 41y इक्वल टू 99 प्लस 75 कितना होगा, 9 और 5, 9 चार 13 एक 14 का 4 हाथ में एक, 7 और 7 14, 14 और 2 14 15 16, 16 और 1 17 174, क्लियर है ना। 9 चार 13 एक 14 का 4 हाथ में एक, और 7 14 15 16 एक 17, ठीक है 174 आया, ठीक है। अब चलो फटाफट से देखो जरा क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो 41x और 17x इन दोनों को ऐड करो, x वाला x के साथ जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो देखो 7 प्लस 1 कितना 8, 1 प्लस 4 कितना 5, 1 प्लस 4 5 और 7 प्लस 1 58x। अब इसको और इसको साथ देखो, वही 17 और 41 ये भी माइनस में है, ये y भी माइनस में है और ये वाला y भी माइनस में है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, तो माइनस में कितना 58y। इन देखो 41 और 17 तो 58 ही होगा, यहाँ भी 41 और 17 तो 58 ही होता और ये y हो गया इक्वल टू 174। अब 58 दोनों में है कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 58 उभयनिष्ठ है, कॉमन निकाल लो तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 174। अब ये 58 क्या हो जाएगा, ये इक्वल के उधर जाएगा है ना, तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहीं पे बता देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ नहीं बताता हूँ, वहाँ बोर्ड पे लेके चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 174 बाई 58, ये 58 हो गया। अब देखो 58 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता, 58 3 जा करो जरा, 8 3 जा 24 है ना, कैरी टू 5 या 15, 15 2 17, यानी कि 58 के टेबल में 3 जा में, ये 58 1 जा और ये 3 जा, तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3/1 का मतलब क्या 3, ये एक इक्वेशन आ गया इसका। देखो ये फर्स्ट था ये सेकंड था, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, तीसरा, क्लियर है। अब चलो मैंने क्या कहा था, एक बार इसी को आपने एक बार ऐड किया, अब इसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे घटा देना है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगेन इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, पहला में से अब दूसरा को घटा दे रहे हैं, क्लियर है। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं, 41x माइनस 17y हो गया माइनस, घटा रहे हैं तो माइनस का साइन दे देते हैं, क्लियर है। तो 17x माइनस 41y, तो देखो इधर वाले में से इधर वाले का ही होगा है ना, इधर वाले में से इधर वाले का, क्लियर है। तो LHS का LHS में, RHS का RHS में, ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा 99 माइनस 75, क्लियर है, ये हो गया। अब चलो प्लस प्लस तो प्लस में 41x, प्लस माइनस तो माइनस 17y, माइनस प्लस माइनस 17x, माइनस माइनस प्लस 41y, बिना साइन का मल्टीप्लाई किए हुए बाहर मत निकालना, नहीं तो फंसोगे बहुत बुरा, आपका मैथ में एक भी जगह गड़बड़ हुआ तो आंसर नीचे तक गड़बड़ हो जाएगा, और जहाँ से गड़बड़ होगा वहाँ से गड़बड़ हर एक स्टेप गड़बड़ बनता चला जाएगा है ना। जहाँ से ऊपर से मान लो सही सही आया, बीच में एक जगह गलत हो गया, तो वहीं से आपका शुरुआत हो गया गलती 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 गलती, तो आंसर तक भी गलती, क्लियर है। तो कुल मिला के मेहनत क्या हो जाएगा, अंडा 0, क्लियर है। चलो
तो 99 में से 75 घटाओ, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24। अब यहाँ पे देखो 41x माइनस 17x, 41 में से 17 को घटाना पड़ेगा x है तो देखो जरा ये 1 है, देखो जरा 41 और 17 घटाओ, ये 11 बनेगा है ना, 11 में से 7 गया तो 4, ये क्या बन गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 24। तो 24x किसके बदले, इसके और इसके बदले, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्लियर है, देखो जरा 41x इसको इसके जगह पे लिख देता हूँ, सजा देता हूँ, क्लियर है, 17x और माइनस 17y और प्लस 41y इक्वल टू 24, सजा दिया मैंने। इन दोनों का कितना होगा 24, अभी हमने किया था, इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का भी वही होगा, प्लस में 24 हो जाएगा, प्लस में 24 y इक्वल टू 24 है ना, तो 24 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, उभयनिष्ठ ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये 24 नीचे चला जाएगा क्योंकि ये x प्लस वाई का ये क्या है, कोफिशेंट है, गुणांक है, और जब गुणांक इक्वल के उधर जाता है तो नीचे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24 बाई 24। अब ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, किससे, 1/1 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1 आया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, तीसरा था, तीसरा ये आया था, अब ये चौथा, अब ये कौन आ गया, चौथा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को एक जगह लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ध्यान से, x और x का कोफिशेंट क्या है, सेम है, y y का भी कोफिशेंट क्या है, सेम है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये y y कट जाएगा, कब, जब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ देंगे तब, है ना, इक्वेशन 3 और 4 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ रहा हूँ, ऐसे प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम घटाते कब हैं, जब साइन हमें चेंज करना रहता है तब, याद रखना, क्लियर है, तो हमें साइन चेंज करना, तो देखो y से ये y ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना हो गया 2x, क्लियर है, 3 प्लस 1 कितना 4, तो x इक्वल टू कितना 4/2, ये नीचे आ गया, ये 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, तो x इक्वल टू 2, ये हो गया आपका क्या आंसर, ये x इक्वल टू आ गया। अब इसी को आपको उसमें डाल देना है, तो पुट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, x इक्वल टू 2 किसमें, इन इक्वेशन किसमें, किसी में भी रख लो, तीसरे में रख लो, इन इक्वेशन 3, कोई सा में भी रख लेना, तीसरे में चाहे चौथे में चाहे आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, पहले में है ना, सब वही आएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो जल्दी आएगा, है ना, तो चलो देखो इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 यही था मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, क्लियर है। अब देखो ये 2 को उधर भेजो तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, सही जा रहा हूँ ना, सही तो हूँ, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 2 गया तो कितना 1। अब ये एक तरफ माइनस का साइन है, तो एक तरफ जब माइनस का साइन रहे तो ये उधर भेज देता है, तो y इक्वल टू क्या होता है माइनस, y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। अच्छा चलो x इक्वल टू एक काम करते हैं 2 रख के देखते हैं, x इक्वल टू इसमें देखते हैं 2 रख के, क्लियर है, यहाँ 2 रखते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, है ना, x इक्वल टू 2 यहाँ रहेगा तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 2, अब माइनस 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 1 ही तो आएगा, है ना, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 1, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसमें सीखने के लिए क्या था सर, ये मुझे नहीं बताया, सीखने के लिए ये था कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि 41 x का कोफिशेंट और 41 y का कोफिशेंट,
17x का कोफिशेंट और y का भी कोफिशेंट सेम। तो ऐसे जब कंडीशन आए तो एक बार जोड़ दो, फिर नया एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, फिर इसी को एक बार घटा दो, फिर एक नया इक्वेशन आएगा, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर दो इन इसको किसको थर्ड और फोर्थ को पकड़ करके फिर पूरा को लपेट दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो और एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। अब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जब मैं हटता हूँ। तो अब ये यहीं पे अब एंड हो रहा है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, राइट, एक थम्सअप का टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम 100 लाइक हो जाने चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट्स। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।